गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 विद्युत चुंबक के तरंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित थे। आज हम उससे कुछ हायर क्लास वाले एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रकार आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हम एक अज्ञात यानी अननोन जो पदार्थ है उसकी पहचान कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि मेनली बंद कोई दो एटम के बीच में किस प्रकार का बंध है, उसमें किस प्रकार के तनन कंपन या बंकन कंपन पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कोई क्रियात्मक समूह है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस फ्रिक्वेंसी रीजन में अवशोषण प्रदर्शित करता है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल में जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल और देखते हैं 1-butanol का। 1-butanol ये है हमारे पास ये है हमारे पास 1-butanol। 1-butanol में क्या है, इधर ये तो एल्किल ग्रुप है, यहाँ ऑक्सीजन है जिसे गुलाबी रंग से मैंने प्रदर्शित किया है और ये हाइड्रोजन है जिसे पीले रंग से मैंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ आएगा उसमें पीले रंग से जो मैंने अवशोषण पीक बताई है वो आई है हाइड्रोजन के लिए, गुलाबी रंग से जो मैंने पीक बताई है वो आई है ऑक्सीजन के लिए, है ना। पीले रंग से बताइए हाइड्रोजन के लिए, गुलाबी रंग से बताइए ऑक्सीजन के लिए। तो अब इसमें कौन कौन सी पीक आईआर अवशोषण स्पेक्ट्रा में आने की हमें उम्मीद है तो हम देखते हैं। पहली बात, इसमें OH ग्रुप है तो OH ग्रुप की स्ट्रेचिंग यानी तनन कंपन के कारण 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे यानी सेंटीमीटर की घात -1 पे हमें आईआर अब्सोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक प्राप्त होगी। तो 3200 से 3400 पे जो पीक प्राप्त हो रही है वो OH समूह के कारण हो रही है और OH में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो एकल बंध है उसकी स्ट्रेचिंग यानी तनन के कारण। ठीक है, दूसरी पीक जो हमें प्राप्त हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन का बंध है। देखिए मैं OH है तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन एक तरफ तो जुड़ी हुई है हाइड्रोजन से और एक तरफ जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन बंध होता है अल्कोहल में, तो कार्बन और ऑक्सीजन बंध की दो तनन कंपन उसके कारण पीक कितने पाती है 1050 से 1250 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, जनरली 1100 या 1050 के आजू बाजू में ये पीक आती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या पीक होने की संभावना, देखिए 1-butanol में CH2 है ग्रुप तो उसकी पीक आएगी, इस कोने पे CH3 ग्रुप है मेथिल तो इसकी भी स्ट्रेचिंग पीक आएगी। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, है ना, आप इस ग्राफ को देखिए। देखिए ये गुलाबी पीक किसके कारण आई है, ये गुलाबी पीक आ रही है किस पे, 1000 पे आ रही है। तो ये गुलाबी पीक कार्बन ऑक्सीजन बंध के कारण आई है, 1000 पे जो पीक आ रही है वो कार्बन ऑक्सीजन बंध के कारण आई है। और ये वाली पीक जो ब्लू कलर की है ये आ रही है 3400 पे कौन सी पीक आई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कारण। देखिए यहाँ देखिए आप, ये गुलाबी रंग ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यानी कार्बन ऑक्सीजन बंध के कारण ये गुलाबी वाली पीक आई है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध यहाँ पीला है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के कारण ये नीले वाली रंग की पीक आ रही है जो 3400 पे। ये पीक तो आ रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कारण और ये गुलाबी वाली पीक किसके कारण आ रही है, कार्बन ऑक्सीजन बंध के कारण। देखिए गुलाबी वाली पीक कितने पे, 1000 पे आती है कौन सी, 1050 के आजू बाजू में कार्बन ऑक्सीजन बीच वाली। नीले रंग की पीक है 3400 सेंटीमीटर की घात -1 पे, तो नीले रंग वाली पीक जो आ रही है वो किसके कारण आ रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कारण। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध में कौन सा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो तनन कंपन है स्ट्रेचिंग है जिनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के तनन कंपन के कारण 3400 पे पीक आ रही है। ठीक है,
हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एमिन का। अब एमिन में आप देखिए क्या क्या है। एमिन में सिंपल मैथिल तो है ही, यहाँ ये सी एच टू यहाँ है, और क्या ये एमिन ग्रुप है। इस एमिन ग्रुप में क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बंद है, उस सिंगल बंद के लिए पीक आएगी। अब देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंद कितने हैं, दो हैं। एमिन एन एच टू में दो हाइड्रोजन हुए ना, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक बंद इधर वाले हाइड्रोजन के और एक बंद उधर वाले हाइड्रोजन का, तो इसमें क्या प्राप्त होगा हमें, दो हाइड्रोजन है तो डबलेट प्राप्त होगी, ठीक है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दो स्ट्रेचिंग या तनन कंपन, उसके कारण पीक कितने पे आती है, 3200 से 3500, लगभग 3200 से 3500 के बीच में, यानी 3400 सेंटीमीटर की घात -1 में आती है। और ये एमिन ग्रुप तनन कंपन तो ये सो कर रहे हैं, उसके के अलावा बंकन कंपन भी सो करते हैं। बंकन कंपन के कारण 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के आस पड़ोस में पीक आती है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास पीक कहाँ कहाँ में मिल रही है। देखो ये जो मैंने कहा डबलेट, ये देखो इस पीक में दो उभार और गर्त, एक और दो है ना, दो है ना। आप ध्यान से देखिए, एक तो इस पीक में एक तो ये और एक ये, दो हुए ना, दो हैं यानी डबलेट। हमने ऊपर क्या देखा, हमने ये देखा कि एमिन के NH2 में दो हाइड्रोजन, इसलिए क्या मिला हमें, डबलेट मिला है, ठीक है। तो डबलेट कहाँ है इस पीक को, आप देखिए इसमें दो है ना, ये एक और ये दो, दो बने हुए, तो ये डबलेट हुआ। अब ये डबलेट कितने पे है, ये भी ध्यान से देख लीजिए, 3400 की सीध में है ये और डबलेट, ठीक है। और जो एमिन ग्रुप का सिंपल है बंकन है वो कितने पे है, 1600 पे है, ये देखिए 1600, ठीक है। एमिन ग्रुप में दो तरह के आ रहे हैं, एक तो डबलेट, वो किसके कारण, वो डबलेट आ रहा है हमारे पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मोड में स्ट्रेचिंग यानी तनन कंपन के कारण आ रहा है डबलेट 3400 पे, और सिंपल जो बंकन कंपन है उसके कारण 1600 के आस पड़ोस में। तो ये देख लीजिए, ये जो डबलेट है ये तो किसके कारण आया है, तनन कंपन के कारण, जो कि 3400 पे है। और ये जो सिंगलेट है ये किसके कारण है, बंकन कंपन के कारण, जो कि 1600 पे है, ठीक है। चलिए हम एमिन का एक और एग्जांपल है देखते हैं, पायरोलिडिन। अब पायरोलिडिन ये रहा, पायरोलिडिन में CH2 ग्रुप भी है और NH ग्रुप भी है। तो NH में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है यानी एक ही पीक आएगी, ये सिंगल पीक आएगी, सिंगल पीक कितने पे, वही 3200 से 3500 सेंटीमीटर की घात -1, ठीक है। एमिन में इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही पीक आएगी, सिंगल पीक, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 3200 से 3400 के बीच में ये सिंगल पीक आ रही है, और बहुत ही तीखी पीक है, शार्प पीक, सिंगल पीक है यानी एक पीक है, दो पीक नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में, इस नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और शार्प पीक आ रही है, तीखी पीक आ रही है, और कितने पे आ रही है, 3200 से 3400 के बीच में आ रही है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित ये करता है कि एमिन के नाइट्रोजन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो एक ही हाइड्रोजन है, ये कौन सा एमिन हुआ, सेकेंडरी एमिन हुआ, कौन सा, सेकेंडरी एमिन में नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन होता है तो एक ही पीक आती है। अगर हमारे पास टर्शियरी एमिन होगा तो क्या होगा, टर्शियरी एमिन में नाइट्रोजन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक भी पीक नहीं आएगी। यानी पहले हमने देखा प्राइमरी एमिन में नाइट्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन थे, तो दो हाइड्रोजन है तो दो पीक आई डबलेट में, ठीक है। फिर हमने ये देखा सेकेंडरी एमिन के नाइट्रोजन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है तो एक पीक आई, लेकिन शार्प पीक आई, तीखी वाली है ना और बड़ी। अगर हम देखें टर्शियरी एमिन के नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो किसी प्रकार की का तनन कंपन या स्ट्रेचिंग और कंपन नहीं पाया जाएगा। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का तनन कंपन भी नहीं होगा, तनन कंपन भी नहीं होगा तो कोई पीक भी हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए टर्शियरी एमिन होगा तो हमें कोई भी पीक 3200 से 3500 सेंटीमीटर की घात -1 के बीच में प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। ये एमिन है। अब हम थोड़ा सा और रिविजन है करते कि देखिए प्राइमरी एमिन था, दो हाइड्रोजन थे तो इस प्रकार की पीक आई डबलेट, ठीक है।
अगर सेकेंडरी एमिन होता तो एक पी का आती सार्प, ठीक है। अब हम देखते हैं OH है, OH अगर ग्रुप है तो हमारे पास इस प्रकार का ब्रॉड यानी कि चौड़ा चौड़ी पीक प्राप्त होती है। अगर OH ग्रुप है तो इस प्रकार की हमारे पास ये चौड़ी पीक प्राप्त होती है, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो हमें कौन सी पीक प्राप्त होगी, शार्प पीक प्राप्त होगी, चौड़ी नहीं। देखो OH ग्रुप है तो ब्रॉड पीक चौड़ी वाली पीक प्राप्त होगी, ठीक है। और उतने और अगर चौड़ी पीक नहीं है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बाद और शार्प पीक है तो फिर OH ग्रुप नहीं है, फिर वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला हाइड्रोजन है। देखिए मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता, अगर लगभग 3300 सेंटीमीटर की घात -1 पे ब्रॉड पीक आती है चौड़ी वाली तो OH ग्रुप है, और ब्रॉड पीक नहीं आती है शार्प पीक आती है तीखी वाली तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के कारण ये पीक आ रही है, ठीक है। अगर एक पीक आ रही है तो इस तरह से ये होगा सेकेंडरी एमिन, और अगर दो पीक आ रही है तो इस तरह से होगा ये प्राइमरी एमिन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है एक कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको आया समझ में, ये PDF मैंने आपके WhatsApp ग्रुप में डाल दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे WhatsApp पे भेज सकते हैं, आप एक बार इनको सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप मुझे मैसेज करके भेज दीजिए। कल संडे है, कल मैं WhatsApp ग्रुप में इसका असाइनमेंट पोस्ट करूंगा और असाइनमेंट का आंसर लिख के फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, है ना जी। अब जैसे हम ये लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल में ये है साइक्लोहेक्सेन, इसके पड़ोस में ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब एल्डिहाइड ग्रुप में अगर हम ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हैं, पहली चीज एक तो कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग यानी तनन कंपन होगा वो, एक ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बंद है इसके कंपन के कारण जो पीक प्राप्त होगी वो, ये कंपाउंड जो हमने लिया है साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सीएल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सी पीक कितने पाई है, जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बंड ओ उसकी स्ट्रेचिंग के कारण तो 720 से लेकर 740 जनरली 750 है ना, तो 720 के आजू बाजू में कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के लिए पीक आती है, पहली चीज़। दूसरा इसमें जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उसके कारण कितने पे पीक आएगी, देखिए कार्बन जो है वो CH2 संक्रमित है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी स्ट्रेचिंग यानी तनन कंपन के कारण पीक आएगी, तो एक डबलेट हमें प्राप्त होगा। डबलेट जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, फर्मी रिजोनेंस का डबलेट प्राप्त होगा। अब मैंने आपको बताया था फर्मी रिजोनेंस क्या होता है, फर्मी रिजोनेंस में एक तो होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन, है ना, एक तो होता है फंडामेंटल के साथ में ओवरटोन या कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन जुड़ता है। एक तो होगा हमारे पास फंडामेंटल यानी मूलभूत कंपन, उसके साथ दूसरा वाला या तो संयुग्मन कंपन या ओवरटोन वाला कंपन आके जुड़ेगा और हमें एक की जगह दो पीक प्राप्त हो जाएंगे, एक उच्च पे एक निम्न पे। तो एक तो हमें प्राप्त हो रही है 720 पे 2720 पे और एक प्राप्त हो रही है हमें 2820 पे, तो दो पीक प्राप्त होगी आस पड़ोस में, तो इसको हम कहेंगे डबलेट। अब ये देखिए जो कार्बोनाइल ग्रुप है उस कार्बोनाइल ग्रुप के कारण तो ये वाली पीक आ रही है 1700 के आस पड़ोस में, ये देख लीजिए आप 1700 के आस पड़ोस में ये वाली पीक हमें प्राप्त हुई पीले रंग में, या कार्बोनिल ग्रुप को हमने पीला रंग दिया है या इसकी पीक पे भी हमने पीला रंग कर दिया है। दूसरी जो हमें पीक प्राप्त हो रही है वो देखिए यहाँ ये वाली दो पीक, एक पीक और ये दो पीक, ये कितने पर आ रही है, ये जो पहले वाले पीक है ये तो आ रही है 2700 पे और दूसरी वाली पीक आ रही है 2800 के आसपास। तो एग्जैक्ट हम बात करें तो पहले वाली पीक 2720 और दूसरी वाली पीक 2820 पे आ रही है। ये क्यों आ रही है, ये पीक आ रही है इस एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके फर्मी रिजोनेंस यानी डबलेट के कारण आ रही है। तो अगर कोई फर्मी रिजोनेंस का क्वेश्चन आए तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसकी पीक
फर्मी रिजोनेंस के द्वारा डबलेट में स्प्लिट हो जाती है और एक 2720 पे आती है और एक 2820 पे आती है। तो फर्मी रिजोनेंस वाले एग्जांपल में आप ये एल्डिहाइड ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं। आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल आपके उन क्वेश्चंस में भी काम आएगा जहां फर्मी रिजोनेंस क्या है वो पूछा जाएगा। तो फर्मी रिजोनेंस क्या है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। फर्मी यानी फंडामेंटल, मूलभूत कंपन के साथ में संयुग्मन कंपन आके अन्योन्य क्रिया करे या कोई इंट्रैक्शन करे, या फिर ओवरटोन आके कोई अन्योन्य क्रिया या इंट्रैक्शन करे, तो एक तो मूलभूत कंपन है जरूरी, अब उसके साथ कोई भी आके जुड़ सकता है। कोई भी का मतलब संयुग्मन कंपन भी आके जुड़ सकता है और ओवरटोन वाला भी आके जुड़ सकता है। इनमें से जो भी इसके जो भी मूलभूत कंपन के साथ में आके अन्योन्य क्रिया करेगा तो एक पिक थोड़ी सी हायर साइड हो जाएगी यानी उच्चतर, और एक पिक थोड़ी सी निम्नतर हो जाएगी। जैसे एलडीआईएस के केस में एक तो 2720 पे हो गई है और एक 2820 पे हो गई, तो इसके हमें डबलेट प्राप्त होगा एल्डिहाइड वाले केस में। तो एल्डिहाइड वाले केस का एग्जाम्पल आप याद करके फर्मी रिजोनेंस है ना या फर्मी कंपन वाले क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। और कार्बोनाइल ग्रुप के लिए तो फिक्स है 1715-1720 के आजू बाजू में कार्बोनाइल ग्रुप की पीक आती है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का एक एग्जांपल हुआ हमारे पास में। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम कीटोन का और लेते हैं। जैसे कीटोनिक ग्रुप है तो अब इस कीटोनिक ग्रुप में कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। देखिए एल्डिहाइड में तो सी डबल बॉन्ड ओ में के कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था तो डबलेट आ गई थी उस हाइड्रोजन के फर्मी रिजोनेंस के कारण। लेकिन कीटोन में तो दोनों तरफ ही एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कीटोन वाले सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें वो डबलेट या फर्मी रिजोनेंस नहीं होगा। इसमें तो कार्बोनिल ग्रुप की पीक आ जाएगी 1715 के आस पड़ोस में। आप देखिए आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये ग्राफ है, कितने पे पीक आ रही है, 1715 पे ये पीक आ रही है और कितनी शार्प है, एकदम तीखी पीक है। तो ये किसके लिए आई है, ये शार्प और तीखी पीक आई है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए 1715 पे। और यहाँ किसी प्रकार का कोई डबलेट यहाँ 2700 के आस पड़ोस में है क्या? नहीं है, नहीं है, यानी कि ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। अगर एल्डिहाइड होता तो क्या होता, एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे 2700 के आजू बाजू में कोई ना कोई डबलेट वाली पीक होती, डबलेट वाली पीक होती तो हम ये कहते हैं कि एल्डिहाइड है, डबलेट वाली पीक नहीं है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। अगर एल्डिहाइड होता तो सी डबल ओ के कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होता और हमें डबलेट पीक प्राप्त होती 2700-2800 पे। लेकिन यहाँ डबलेट नहीं है यानी एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन तो क्या है, यह है कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि 1715 या 1720 पे एक शार्प पीक आई है कार्बोनाइल ग्रुप के कारण। ये आया आपको एग्जांपल और समझ में कि इस पे 1720 पे एक शार्प पीक है लेकिन 2700-2800 पे डबलेट नहीं है, यानी कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप तो है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं यानी है ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये कीटोन ही होगा। ये चीज़ आई समझ में आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में किस तरह से हम अंतर भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल को आप एक बार अच्छे से देखिए, अच्छे से इस एग्जांपल को देखिए और इन दोनों एग्जांपल्स में तुलना कीजिए कि एल्डिहाइड होगा तो उसमें कौन सी पीक प्राप्त होगी और अगर सिर्फ कीटोन है तो कौन सी पीक प्राप्त होगी, और एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम अंतर करना हो तो किस पीक के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, एल्डिहाइड है तो 2700-2800 में डबलेट आएगा, डबलेट यानी दो पीक, और वो डबलेट क्यों आया है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन में फर्मी रिजोनेंस यानी फर्मी अनुनाद हुआ है इसके कारण ये डबलेट आया है, जबकि कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बोनाइल के कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं तो फर्मी रिजोनेंस नहीं होगा। किस में नहीं होगा फर्मी रिजोनेंस, कीटोनिक ग्रुप में नहीं होगा। कीटोनिक ग्रुप में जब फर्मी रिजोनेंस नहीं होगा तो किसी प्रकार का 2700-2800 पे कोई भी डबलेट प्राप्त नहीं होगी, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन एग्जांपल है जो पहले कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप को आप आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से किस प्रकार पहचानोगे या किस प्रकार दोनों में अंतर करोगे, तो आप ये अंतर इजीली कर सकते हैं। अगली क्लासों में हम आपको एस्टर के बारे में भी बताएंगे,
कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताएंगे, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बताएंगे, एसिड एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप डेली वाले एग्जांपल की प्रैक्टिस डेली करें, क्योंकि आगे जो एग्जांपल आएंगे थोड़े से टिपिकल आएंगे, थोड़े से हार्ड आएंगे, तो उनको समझने के लिए आपको पहले वाले एग्जाम्पल्स को समझना ज़रूरी है। ये नोट्स इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप में से 99% स्टूडेंट का जो मीडियम है वो हिंदी ही है ना। ये एग्जांपल भी करेंगे हम लास्ट में, है ना, जिसमें मैंने अच्छे तरह से ये लिखा है कि एलिफेटिक हाइड्रोजन के लिए कौन सी पीक आई है, नाइट्रिल आ ग्रुप के लिए कौन सी पीक आई है। यहाँ पीक नहीं आ रही है, पीक नहीं आ रही है, देखो नो एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ जो एरोमेटिक ग्रुप के लिए पीक आनी चाहिए थी इस प्रकार की। एरोमेटिक के लिए किस प्रकार की पीक आती है मैं बताता हूँ, इस प्रकार ये वाली पीक आती है। अब ये वाली पीक यहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही ना, नहीं आ रही है, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। एल्किल ग्रुप के लिए किस प्रकार की पीक आई है, ये सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल और यूजेज भी देखेंगे, और पीक पे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पीक कितने पाती है, और पदार्थ की संरचना के साथ साथ वो पीक किस प्रकार आगे पीछे शिफ्ट होती है, और आयर स्पेक्ट्रा की पीक पे पदार्थ का क्या इफेक्ट होता है, या पदार्थ के कौन कौन से ग्रुप जुड़े उनका क्या इफेक्ट होता है, इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो असाइनमेंट दिया है, वो पूरा कीजिए। बच्चों ने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है तो इसको आप करके मुझे बताइए, और आपको जो भी कोई क्यूरीज है, जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे दीजिए। अगर आपके उसके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, और अगर उस पर मेरे को कोई कमेंट करना होगा तो वो कमेंट भी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। सभी बच्चों को कॉल करना तो संभव नहीं हो और पाता है, लेकिन जैसे ही मुझे आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा मैं उसका 24 आवर्स के बीच में रिप्लाई ज़रूर दूंगा, है ना। तो आप मुझे अपने असाइनमेंट भेजिए, है ना। होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू नहीं करते हुए मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे आपके ऑर्गेनिक बीएससी सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हटा के मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहा है। तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 यूनिट विद इन 1 मंथ में कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है ना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।